हमारी दुनिया की शुरुआत से अंधेरा और उजाला था, अच्छाई और बुराई थी, पवन की जाति थी और नदी के लोग थे। भूतकालीन दुश्मन भविष्य के दुश्मन में बदल गया, तो आखिर जब युद्ध होगा तो ये जीतेगा कौन? आखिर किसे प्यार होगा? क्या इस प्यार की बलि चढ़ेगी या ये प्यार परवान चढ़ेगा? क्या प्यार की जीत होगी? ओ नदी की देवी और पवन का देवता, क्या इनका मिलन सपना रहेगा या वास्तविकता बन जाएगा? जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं, मुझे एक मृत व्यक्ति की तरह महसूस होता है। भूतकाल,
वर्तमान, सपना, वो ज्यादा अलग नहीं है। मैं लड़ता हूं जिंदा रहने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं है सब कब तक चलेगा। अच्छा ये बताओ, यहां से कितनी दूर चलना है? सर हमें यहां से 3 क्लिक्स और दूर जाना होगा। ब्रावो ब्रावो, मुझे सुन रहे हो तुम? इस वक्त हम सभी 211 पे हैं, जो भारत शील लिमा 13 है। हम टारगेट के करीब हैं। ओवर। ब्रावो 211, मिशन पूरा करो। ओवर। कॉपी दैट। लेकिन मैं किसके लिए जी रहा हूं? गन का यूज कैसे करना है? गन नीचे रख। ये क्या कर रहे हो? नीचे रख दे उसे। वापस रख। जल्दी करो। जाओ उन दोनों शैतानों को पिंजरे से बाहर निकालो। जल्दी करो, जल्दी। आपका मिशन पाओ के कैंप में है ना? रुको कैप्टन, बॉस का कॉल। ब्रावो 211, मिशन को कैंसिल कर दो। हम फंस चुके हैं, अब नहीं कर सकते हैं। मिशन को कैंसिल कर दो। ओवर।
ए, बाहर लेकर आओ उसे, चलो जल्दी करो। चले जाओ तुम, हम तुम्हें बचा लेंगे। नहीं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझे छोड़ दो। चलो बू बू, पहले सभी औरतों को बाहर निकालो, निकालो, चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट फास्ट, चलो चलो जल्दी करो फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, आगे बढ़ो, देर मत करो, निकलो, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, चलो जल्दी करो फास्ट फास्ट। जय जय
कैसा महसूस हो रहा है? दर्द अब भी हो रहा है? मुझे जरा जख्म देखने दो। इन्फेक्शन हो गया है, मैं इंजेक्शन दे देता हूं। जरा हाथ सीधा करना। कैप्टन नवीन के रूम में आप बताएंगे मुझे? हाँ, बस एक मिनट। हम यहां से दूसरी गाड़ी लेकर निकलते हैं। बाकी लोगों का क्या हुआ? सब मर गए। सच में कोई नहीं बचा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा यहां पे हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से म्यांमार चले जाना चाहिए। चीफ का क्या हुआ? वो कैसा है? चीफ सबसे पहले वही मारा गया। मुझे लगता है हम दूसरों के बताए गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भाई तुम यहां से बॉर्डर पार चले जाओ। तो तुम जाओ ना। मैं अपने पुराने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। मुझे एक फोन दे। ठीक है, ये मेरा सैटेलाइट फोन रख लो तुम। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए सार्जेंट टैंक को कॉल करना। पकड़ो इसे, पैर दबाओ।
कोई नई खबर? थैंक यू। तुम ढूंढ रहे हो उसकी एक्सरे रिपोर्ट मेरे पास है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो वही है? हाँ। मी, इस नंबर पे आई आखिरी कॉल किसकी है मुझे बता सकती हो क्या प्लीज? Lighter dinner.
जाने के उसे देख के एक अपनापन सा लग रहा है, लेकिन ये है कौन? मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। तुम कौन हो? मैं नावीन हूं। तुम कौन हो? जिन। हाँ? जिन। डैम नवीन, तुम मरोगे।
आपके फादर लाइन पर हैं। मेरे फादर है ही नहीं। हेलो, क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आई? हेलो, कैसे हो ब्रदर? कहाँ थे इतने दिन? बहुत टाइम बाद याद आई मेरी। मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे भूल गए होगे, इसलिए हम कांटेक्ट में नहीं थे। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। हे, चका, वो तुम्हारे साथ है? इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मेरे बॉस को वो जिंदा चाहिए। तुम्हें किसने आदेश दिया था उस मिशन को खत्म करने के लिए? तुम लोग किसके लिए काम कर रहे हो? अपने गद्दार मालिक को मेरे पास भेजो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? ये सब कुछ मिशन के लिए ही हो रहा है, मेरा कुछ पर्सनल लेना देना नहीं है। तुम एक काम करो, तुम उसे मेरे पास ले आओ। मुंह मांगे पैसे लो और भूल जाओ उसे। सुनो मानस, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंसान की जिंदगी बेशकीमती होती है, और तुम लोग उसके साथ खिलवाड़ मत करो। और तुम जो ये गंदा काम कर रहे हो वो देश के लिए बुरा है। मेरा काम तुमसे ज्यादा कीमती है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरा बॉस तुम्हें कीड़े की तरह मसल देगा। मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। तुम्हारी भलाई उसी में है। मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। मानस, वैसे तुम्हारी माँ कैसी है? क्या तुम्हें आर्मी का पहला दिन याद है? मुझे लगता है शायद तुम भूल गए हो। बोलो ना, गूंगे हो गए हो क्या? और हाँ, आखिर तुम लोग उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम कुछ जानते नहीं हो तो मुंह बंद रखो, समझे? बताओ वो कहाँ है? हे, मुझे तुम्हारी गिड़गिड़ाने की आवाज सुननी है। तो शुरू हो जाओ। ए, साहब सुन गया क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर मैं बोल रहा हूँ। बेवकूफ कहीं के। बैठ के बात करते हैं। मैं जो जानना चाहता हूँ वो बताओ। जो तुम सुनना चाहते हो मैं वो कभी नहीं बताऊंगा। तुम लोग उस लड़की के साथ क्या करना चाहते हो? वो इंसान नहीं है। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो है, बिलीव मी, मेरे साथ चलो। वहां खुद ही देख लो, ये मिशन लंबे समय से चल रहा है। इस माफिया गैंग का मैं पहला कमांडर नहीं हूं। इस चीज के लिए अमेरिकन्स मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। एक और बात, इस गैंग में म्यांमार के लोग भी पहले से इन्वॉल्व हैं। हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मेरी बात मानो, वो इंसान नहीं है। वो दिखने में भले ही हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन वो अंदर से जानवर है। भला ही इसी में कि उसे मेरे पास भेज दो, फिर हमारी लड़ाई भी खत्म। अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें बड़ी पोस्ट दिलवा दूंगा। तुम फिर से कर्नल बन सकते हो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। नहीं, गोली मत चलाना। गन नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो गन को। कैप्टन, डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन ऐसा क्या है जिससे हमें डर लगता है? आखिर सच क्या है? Thank you.
मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में होने वाली सभी चीजें संयोग नहीं होती, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इससे मिलाया। तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी S21 के बारे में सुना है? साज, अभी कहाँ हो तुम? अभी ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं रह गया है, फौरन आके मुझसे मिलो। ये नवीन है। तुम जहां हो गाड़ी वहीं रोक दो। तुम अकेले नहीं हो, कौन है वो साथ में? वो भी S21 कोड का एक हिस्सा है। पहले मैं उसकी कलाई देखना चाहता हूं। आगे चलते रहो, वहां एक एंट्रेंस दिखेगा। कैप्टन नवीन, आर्मी कैडेट क्लास 30। आखिरी रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारे सील ट्रेनिंग एक्सरसाइज में मौत हो गई थी, क्राइम आइलैंड सत्ताहिप नेवल बेस। और इतना ही नहीं, तुम हो मेजर टेंगरे, मुआंगटाई आर्म फोर्सेस का एक ऑफिसर, और बर्मीज इंटेलिजेंस तुम्हें अच्छी तरह से जानती है, कोड नेम गरुड़ा 28। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा एक नाम और है, पॉर सेंकिया, जो थाई बॉर्डर पर भटकते हुए पाया गया था एक बूढ़े बीमार मंक के साथ, और बाद में तुम्हें एक वेस्टर्न चियांग मे ने अडॉप्ट कर लिया था, जिसने तुम्हें कैडेट स्कूल में पढ़ाई करने भेजा। लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, अपने बारे में बताओगे? दरअसल सार्जेंट डेंग मेरा कोड नेम है। इस सब की शुरुआत 1969 में लॉन्गजैंग में हुई थी, लाओस के एक वॉर में CIA के सीक्रेट यूनिट के तौर पर। और हम कभी एक दूसरे को असल नाम से नहीं पुकारते थे, कोई हमारे बारे में नहीं जानता, हमारा इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। यूनिट में आने के बाद तुम्हें अच्छी तरह सिखाया गया था कि तुम क्या हो। तुम एक डेड पर्सन हो। तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? डेल्टा अल्फा 333 रिपीट। हेलो डेल्टा अल्फा 333, मुझे और फोर्स की जरूरत है, एरिया को कवर करने के लिए जल्द से जल्द भेजो। S21 की शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुई थी, और तब ब्रिटिश आर्मी म्यांमार में छाई हुई थी और चाइनीज बॉर्डर के पास बहुत मारकाट कर रही थी। वहां अचानक उन्हें एक अजीब जाति के लोग मिले, और एक गहरी गुफा से उन्होंने उनके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की। वहां उस गुफा में बहुत बड़े बड़े कंकाल मिले,
सांप जैसे। और अजीब बात यह थी कि वो कंकाल इंसान के कंकाल से मिलते जुलते थे। लोगों का ऐसा मानना है कि वो नागा जाति के लोग थे। शायद यह जानकारी लोगों के लिए बकवास साबित होती अगर 30 साल बाद वहां पे ये अजीब घटना नहीं घटी होती तो चाइनीज और म्यांमार के बॉर्डर पर CIA की एक यूनिट को भेजा गया जिन्होंने इस कबीले को दोबारा ढूंढ निकाला। उनमें से वो कुछ को हेलीकॉप्टर के जरिए थाईलैंड ले आए और उनका ब्लड सैंपल लेके अमेरिकन लैब्स में टेस्ट के लिए भेज दिया गया। और तब अमेरिकन साइंटिस्ट को यह पता लगा कि उनके जेनेटिक सेल्स म्यूटेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साज तुम कहानी अच्छी सुना लेते हो। उस हेलीकॉप्टर में मैं भी था। बौद्ध के इतिहास के मुताबिक कुछ लोगों ने उन्हें दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के लिए कहा जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। हालांकि वो खुद भी बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को मानते थे। पहले उनका व्यवहार जानवरों जैसा ही था तो बुद्ध ने उन्हें शिक्षित किया और बुद्ध ने उन्हें आदेश दिया कि जो भी भिक्षु बनेगा उसे इस नाम से पुकारा जाएगा। नागा। सही कहा, नागा। वो चाहते तो हम जैसे इंसान बन सकते थे और उनके जीन्स में जो एक राज की बात छुपी हुई है वो अमेरिका चाहता है। और उन्होंने इस ब्लड टेस्ट को एक अलग सही नाम दे दिया, वो है S21। बाद में उस प्रजाति के लोग उस जंगल से गायब हो गए। उन्हें ढूंढने की सारी कोशिशें नाकाम रही। फिर अचानक उन्हें सैटेलाइट के जरिए रेड वॉर ट्राइब दोबारा नजर आई पावियो संघ शिविर में। सही कहा। अब तुम चाहे कुछ भी सोचो लेकिन तुम्हारे यहां आने का कारण एक खास वजह ही है। क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो महज इत्तेफाक नहीं होता? अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मरते दम तक इसकी हिफाजत करनी है और आज के बाद इसकी जिंदगी और मौत का फैसला भी सिर्फ तुम ही करोगे। खुद को इतना ताकतवर मत समझना क्योंकि सिर्फ इस दुनिया में हम ही नहीं और बहुत सी प्रजातियां हैं और किसी को किसी पर राज करने का हक नहीं है। सोचा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएंगे। ये पकड़ो और निकलो यहां से, ये तुम्हारे काम आएगा। जी, चलो यहां से। इधर से नहीं, इधर से। थैंक यू सर। तुम काफी जल्दी पहुंच गए लेकिन फिर भी देर कर दी। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे जैसे बेवकूफ नाविन को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। म्यांमार के बॉर्डर पे मिलता हूं। ये एक लंबी कहानी है, मैं तुमसे कल मिलके बताता हूं।
चारों ओर से उन्हें घेर लो। Thank you.
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं यहां कोई खून खराबा नहीं चाहता। Thank you.
कैप्टन, नवीन के फोन का सिग्नल मिल गया। पाओयो सैंग, हमें आपके हेल्प की जरूरत है, जल्दी आइए अपनी फोर्स के साथ। ये क्या हो रहा है? उस दिन तुम मुझे जिंदा छोड़ के भाग गए थे, इसलिए तुम्हें थैंक यू कहने का मौका ही नहीं मिला। थैंक यू। इस लड़की को बचाने के लिए तुमने कितनी परेशानियां उठाई है ना कर्नल? तू जानवर है। लेकिन मैं नहीं हूं। बड़े दुख की बात है कि तुम इसे बचा नहीं पाए। अब तुम्हें इसकी याद में तड़प तड़प कर मरना होगा। आ!
जंगल के देवता मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। वहां कोई जिंदा बचा है क्या? सब मेरी गलती है। मुझे एक कार चाहिए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मैं उन्हें पकड़ सकता हूं। सुनो फौजी, वो उसे ज्यादा दूर नहीं ले गए होंगे, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ये पकड़ो, अब निकलो यहां से, ये तुम्हारे काम है। लोग इकट्ठे हो जाओ, हमें आगे बढ़ना होगा, चलो। We'll be right back.
साथ वापस जाना चाहती है। ये नहीं हो सकता, मेरी बहन के शरीर से आत्मा निकल चुकी है। अच्छा होगा तुम हमें वापस जाने दो। याद रहे, इंसान का शरीर सिर्फ एक पात्र है और इसका आत्मा के मिलन के बाद ही जीवन संभव है। पहले कौन झगड़ा कर रहा था, तू या फिर तू? मुझसे मार खाने क्यों आ जाते हो? अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो कि मुझसे जीत जाओगे? इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आ!
छोड़ो।